नमस्कार, आपके समक्ष आज के विषय कलयुग केवल नाम आधारा पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ऋषि व्यास के अनुसार जो फल सतयुग में 10 वर्ष ब्रह्मचार्य आदि का पालन करने से मिलता है, उसे मनुष्य त्रेता में 1 वर्ष, द्वापर में 1 मास और कलयुग में सिर्फ 1 दिन में प्राप्त कर लेता है। जो फल सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ और द्वापर में देवार्चन करने से प्राप्त होता है, वही कलयुग में सिर्फ ईश्वर का नाम कीर्तन करने से मिल जाता है। कलयुग में थोड़े से परिश्रम से ही लोगों को महान धर्म की प्राप्ति हो जाती है। इन कारणों से मैंने कलयुग को श्रेष्ठ कहा। शास्त्रों में लिखा है कि कलयुग में भगवान का अवतरण होता है नाम के रूप में। कलयुग के में जो धर्म युग धर्म है वह है नाम संकीर्तन। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा है कि कलयुग में केवल हरि नाम ही हमारा उद्धार कर सकता है, इसके अलावा किसी भी अन्य साधना से सदगति नहीं है। यही बात नानक देव ने भी कही है, नानक दुखिया सब संसार, ओही सुखिया जो नाम धार। रामचरितमानस में भी यही लिखा है, कलयुग केवल नाम आधारा। किसी भी संत के पास चले जाओ, किसी भी शस्त्र को उठाओ, सब यही इंगित करती है कि कलयुग में भगवान का अवतरण उनके नाम के रूप में हुआ है, इससे उद्गार हुआ। यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगी कि यह भगवत नाम अन्य भौतिकी नामों की तरह जड़ नहीं है। भौतिक जगत में हम देख सकते हैं कि एक व्यक्ति का नाम लक्ष्मीपति है, परंतु वह एक भिखारी अथवा नयनमणि नाम वाला व्यक्ति एक आँख से काणा है, किंतु भगवत राज्य में ऐसा नहीं होता। लक्ष्मीपति भगवान वास्तव में लक्ष्मी के पति ही है, वह सबसे धनी है। गोविंद सभी इंद्रियों के स्वामी हैं, वह इंद्रियाँ उनके सेवा में नियुक्त हैं। कृष्ण नाम जिनका है वे वास्तव में सभी को आकर्षित करने वाले हैं। भगवत नाम हमारी दृष्टि से रक्षा करेगी, हमें इस भव सागर से पार कराएगा, हमें हमारी इच्छा अनुसार वरदान देगा, वह सब कुछ करेगा, किंतु इसके लिए हमें पूर्ण रूप से समर्पित होकर नाम कीर्तन करना होगा। यह तभी होगा। आखिर द्रौपदी ने वस्त्रहरण के समय जब तक पूर्ण शरणागत होकर दोनों हाथ उठाकर भगवान को नहीं पुकारा, तब तक भगवान नहीं आए थे। धन्यवाद।